ठीक है गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नया दिन और एक नया ब्लॉग के साथ। सडन आज से 2 महीने पहले मेरा एक वीडियो आया था और उस वीडियो के दौरान फिर कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं आया। सो आप सोचते होंगे कि कहाँ गया, इस वीडियो आ क्यों नहीं रहा, क्या रीज़न है वीडियो की। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी करेंटली मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और इस दौरान कहीं ना कहीं जो इस फील्ड में है वो हर एक तरीके के परिस्थितियों का सामना करते हैं। लेकिन आगे मैं आपसे बातें करूं, उससे पहले एक लाइन मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं जो कि मैंने कहीं पढ़ा। ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत लाजमी है। सो कुछ इसी तरीके की स्थिति मनोदशा मेरी भी थी। एक्चुअली मैं अभी आपके सामने फिर से वीडियो में प्रेजेंट हूँ और दिक्कत क्या हो रही थी मेरे साथ कि कहीं ना कहीं स्टडी और वीडियो को मेंटेन करना, मैनेज करना नहीं हो पा रहा था, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन कहते हैं कि अगर बीच रास्ते में आप कहीं भी रुक जाओ तो कहीं ना कहीं आपका जो पीछे का जितना मेहनत है, जो भी प्रयास है, वो विफल हो जाता है। शायद आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते थे तो वो आपके पीछे के सारे प्रयास मेहनत को सफल बना सकता था। कि मैं एक क्लास करने जा रहा हूँ, इसे एनवायरमेंट की क्लास कहते हैं। इस पूरे के पूरे जर्नी में गाइज आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने को मिलेंगे, बहुत सारी आपको नॉलेज मिलेगी, बहुत सारे फील्ड में आपको कहीं ना कहीं छोटा बड़ा ज्ञान लेना होगा। ये मेरे जो नोट्स देख रहे हो ना आप, ये नोट्स है, ज्योग्राफी की नोट्स है। सो कहीं ना कहीं मैं अपने इस वीडियो में एक मिथ को क्लियर करने वाला हूँ। मोस्टली मैं सुनते आता हूँ और कहीं ना कहीं मुझे वो सुनने में अजीब लगता है। हो सकता है कि अभी इन बातों को कहने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए मैंने अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपने स्टडी को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और साथ में आपको बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट को कैसे डील करना है। हाँ, मैं अपने आप को एक निपुण विद्यार्थी नहीं समझता, मैं अपने आप को एक लर्नर समझता हूँ, मैं अपने आप को अभी भी एक स्टूडेंट के रूप में ही समझता हूँ। और कहीं ना कहीं क्योंकि जो शिक्षा का ज्ञान है वो इंसान के अंतिम सांस तक उसको सीखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं बस इतना ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि जो अभी तक मैंने सीखा है, जिस तरीके से मैंने सीखा है, और हो सकता है कि आपके माध्यम से भी मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि रात हो चुकी है, ये रहा मेरा स्टडी टेबल और अभी हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं ज्योग्राफी का क्लास, जो कि मोस्टली कंप्लीट है। एनवायरमेंट सेक्शन में एंट्री करने वाले हैं अभी हम लोग, एंट्री करने वाले हैं अभी हम लोग। और इसी के साथ ये बस एक इंट्रो वीडियो था, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि अब भी एक सही मौका है स्टार्ट करने का। सो अब वीडियो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और साथ में हाँ एक आध दिन गैप हो सकता है, एक दो दिन गैप हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइज आपको भी पता है कि एग्ज़ाम के दौरान कंटिन्यूटी बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इतने लंबे तक गैप नहीं होगा, ये मैं आपके साथ अश्योर कर रहा हूँ। और फिर मिलते हैं एक लंबे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।